नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में युवा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 22 विधाओं में 8 जिले की टीमें हिस्सा ले रही हैं। इस कार्यक्रम की शुरुआत सुबह सुबह सभी टीमों के मार्च पास्ट के द्वारा की गई। विश्वविद्यालय के कुलपति श्री कपिल मिश्रा के द्वारा रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी गईं। इस अवसर पर हमने कई टीमों के प्रतिभागियों से बात की, जिनमें गजब का उत्साह देखा गया और कुछ कर गुजरने का, कुछ नया करने का जुनून उनके अंदर हमने देखा। आइए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। और बहुत अच्छी दिशा निर्देश प्रदान करते हैं हमारे सम्मानी माननीय कुलपति प्रोफेसर कपिल मिश्र जी, जैसे मैं आग्रह करूंगा सर हम सभी को मार्गदर्शन करें सम्मानीय कुलपति जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के जिला विश्वविद्यालय स्तरीय इस समारोह में हमारे रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय परिवार के विभिन्न जिलों से बोला जाए कि बोलना भी है। ध्येय वाक्य रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के विश्वविद्यालय स्तर युवा उत्सव का जो ध्येय वाक्य है वो है सांस्कृतिक समरसता युवा संगम। जय हो। आप सभी अपने जगह पर सावधान खड़े रहेंगे।
राष्ट्रगान होगा, उसके बाद जो आप बताएंगे मीटिंग का कौन सा मीटिंग होगी। दिवांशु को तो बता रहे हैं कि राष्ट्रगान। नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आज हम हैं आरजीपीबी पे, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर पे, जहां पे विश्वविद्यालय स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। और हमारे साथ कुछ टीम्स हैं, आइए हम बात करते हैं उन टीम्स से। सबसे पहले आइए हम आते हैं यहाँ पर, एक ऑरेंज टीम है, बात करते हैं। कहाँ से हैं आप? हम लोग डिंडौरी जिला से। जी, ये डिंडौरी जिला से हमारे पास टीम है, सारी के सारी ग्रुप्स हैं। हम जानना चाहते हैं कि आप यहाँ पे कौन कौन से कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने वाले हैं। प्रतिवर्ष 22 विधाओं में विश्वविद्यालय विभिन्न प्रतियोगिताएं कराता है, जिसमें नृत्य हो गए, समूह नृत्य, लोक नृत्य, एकल वादन, गायन, रंगोली, नाटक, एकांकी, ये सारी विधाओं में हमारे ज़िले के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और जो जिला स्तर पर प्रथम आए वो सारे विश्वविद्यालय स्तर पर प्रतिभागी आए हुए हैं यहाँ पर अपनी प्रतिभागी प्रतियोगिताएं करने के लिए। आपका परिचय जान सकते हैं? मैं प्रोफेसर विकास जैन, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी से, डिंडौरी मेकल सुधा कॉलेज से। डिंडौरी जिले का नेतृत्व कर रहे हैं आप? डिंडौरी जिले का नेतृत्व करते हुए हम लोग। हमारे साथ कुछ प्रतिभागी भी हैं, आइए हम बात करते हैं। आपका नाम? हर्षित उपाध्याय। किस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं? मैं प्रश्न मंच से हूँ। जी, अभी तक काफ़ी अच्छा सफर रहा है। जी हाँ, ये मेरा पहला साल है, मैं बीए का हूँ, शासकीय चंद्र विजय महाविद्यालय डिंडौरी से। और हम लोग यहाँ पे युवा महोत्सव के कार्यक्रम में आए हुए हैं। आरडीबीबी ने बहुत अच्छी व्यवस्था हम लोगों को उपलब्ध कराई है, हम थैंक यू बोलते हैं आरडीबीबी को। जी बहुत बढ़िया है। और प्रश्न मंच प्रतियोगिता में तो मेरी जानकारी के अनुसार एक से ज़्यादा लोग होते हैं आपकी टीम में, और कौन सा लोग? और भी लोग हैं, एक भाई और है मेरे साथ और एक दीदी है हमारे साथ। एक भाई है हमारे साथ में। आपका नाम? योजन यादव। योजन यादव, बहुत अच्छा नाम है आपका। और हम जानना चाहते हैं कि क्या तैयारी है इस प्रतियोगिता को लेकर के? आप कुछ ज़्यादा नहीं, जीके वगैरह पढ़ के आए, बस हो गया। तो जीतने की पूरी उम्मीद है? जी, हम लोग की पूरी उम्मीद है तो जीत की है। जी चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आइए हम बात करते हैं। मेरा नाम ज्योति नायक है, हम लोग डिंडौरी डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं और जो यहाँ पे युवा महोत्सव कार्यक्रम के दौरान मैं डेबिट पे पार्टिसिपेट की हूँ और यहाँ पे आरडीवी कॉलेज में आए हैं तो हमको बहुत अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ पे प्राप्त हुई है, इसलिए मैं आरडीवी कॉलेज को थैंक्स कहना चाहूँगी। अभी तक जो डिबेट कॉम्पिटिशन में आपने हिस्सा लिया जिला स्तरीय स्तर पर, तो वहाँ पे कौन कौन सी कौन कौन से मुद्दे थे जिन पर आपने अपनी बात रखी? वहाँ पे एक ही मुद्दा था कि वर्तमान दौर में युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए आधुनिकीकरण आवश्यक है या नहीं पे दोनों टॉपिक थे, उस पर डिबेट करना था। तो आपने पक्ष में बोला था, विपक्ष? मैंने पक्ष पे बोला था। कैसी रही यहाँ की व्यवस्थाएं? बहुत अच्छी। किन किन प्रतियोगिताओं पे हिस्सा ले रहे हैं आप? स्केट, वेरी गुड। अकेली नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे नरसिंहपुर जिले से समस्त प्रकार की जो 22 विधाएं हैं इसमें हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे कि हो गया ड्रामा है, नाटक है, डांस है और प्रश्न मंच है, भाषण है, वाद विवाद, इस तरह से जो 22 पूरी विधाएं हैं उसमें नरसिंहपुर अपनी हमेशा से अनुपम छाप छोड़ता हुआ आया है। और आज तक का सफर देखा जाए तो नरसिंहपुर जिले ने नई ऊँचाइयों को छुआ है, यहाँ तक कि है अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ये से आरडीबीबी यूनिवर्सिटी का नेतृत्व कर चुका है। और उम्मीद है कि इस बार भी नरसिंहपुर जिला अपनी नई छाप छोड़कर जाएगा और वह भी नई तरक्कियों के साथ उस स्तर तक पहुंचेगा जिसकी उसे चाह है। आप इस प्रतियोगिता पे किस चीज़ों पे हिस्सा ले रहे हैं? और इस समय मैं अपना ड्रामा लेके आया हूँ और साथ में हमारे साथ में ये टीम है, ये स्किट की है और भी हमारे डांस हैं, भाषण है, वाद विवाद, और सभी लोग एक से बढ़कर एक अपनी प्रतिभाओं को देती हुए आएँ, क्योंकि नरसिंहपुर ज़िले की हमेशा से यही उम्मीद रही है कि जो बेस्ट होता है उसे ही चुना जाता है और जो बेस्ट होता है वही बेस्ट करता है। इस वजह से नरसिंहपुर ज़िला हमेशा आगे बढ़ता रहा है और उम्मीद है इस बार भी बहुत ऊंचाइयों तक जाएगा। चलिए, पूरी शुभकामनाएं हमारे साथ हैं, आइए हम जान लेते हैं सारे प्रतियोगियों के नाम। जी, मेरा नाम आशा अरवार है, मैं स्किट में अपनी मतलब कि भूमिका निभा रही हूँ। जी आप? मेरा नाम अंजलि शर्मा है, मैं स्किट में हूँ। आप? मेरा नाम वंदना सेन है, मैं स्किट में भाग ली हूँ। जी, और आप? सोनम प्रजापति हूँ, मैं भी स्किट में हूँ। यहाँ पे पूरी की पूरी टीम जो है तो स्किट से ही रिलेट कर रही है। माय नेम इज मदीना, भी मैं भी स्किट में हूँ। कैमरा मैन रोहित के साथ मैं अनुपम अनूप, देखते रहिए द खबरदार न्यूज। द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।